नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद यूट्यूब चैनल। आज की खास खबर, समान काम समान वेतन से पहले नियोजित शिक्षकों को लगा झटका। लाखों शिक्षकों का भविष्य दांव पर, अनट्रेंड शिक्षकों की बर्खास्तगी का कार्रवाई शुरू। लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में, अनट्रेंड शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू। मियाद पूरी, नहीं आया ट्रेनिंग का रिजल्ट। लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में, समान काम समान वेतन से पहले नियोजित शिक्षकों को लगा झटका। अब पूरी खबर जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी खबरों से रहें आप अपडेट। अब खबर विस्तार से, राज्य में लाखों प्रारंभिक शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगा है। समान काम समान वेतन से पहले नियोजित शिक्षकों के लिए झटका ही कहा जा सकता है कि इस तरह का नियम नियोजित शिक्षकों के लिए भविष्य को दांव पर लगा सकता है। राज्य में लाखों प्रारंभिक शिक्षकों का भविष्य दांव पर लग गया है। ये सभी वैसे अनट्रेंड शिक्षक हैं जिनका DELE-ED प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को पूरा हो गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून RTE के तहत ऐसे अनट्रेंड शिक्षकों को 1 अप्रैल से नौकरी में नहीं रखे जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान सरकारी और प्राइवेट सहित सभी कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए है। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून में यह प्रावधान है कि देश भर के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2019 से अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेंगे, चाहे विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट। इस प्रावधान के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में सभी सरकारी एवं प्राइवेट सहित सभी कोटि के प्रारंभिक विद्यालयों के अनट्रेंड शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक ट्रेंड करने का जिम्मा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS को सौंपा गया। इसके मद्देनजर देश भर के ऐसे अनट्रेंड प्रारंभिक शिक्षकों के लिए NIOS द्वारा DELE-ED प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया, ताकि 31 मार्च 2019 तक उनकी ट्रेनिंग हो जाए। बताते चले कि इस पाठ्यक्रम में देश भर में तकरीबन 14 लाख अनट्रेंड शिक्षकों ने दाखिला लिया। इसमें सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और प्राइवेट स्कूल के भी शिक्षक हैं। इनके साथ ही तकरीबन 1.5 लाख वैसे प्रारंभिक शिक्षक हैं जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के बदले BED की योग्यता है। ऐसे शिक्षकों के लिए 6 माह संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाया गया, यानी दोनों को जोड़ दे तो देश भर में 16.5 लाख प्रारंभिक शिक्षकों ने NIOS के ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले देश भर के तकरीबन 16 लाख शिक्षकों में सबसे ज़्यादा शिक्षक बिहार के हैं। इस ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में बिहार के शिक्षकों की संख्या तकरीबन 2,85,000 है। शिक्षकों को अध्ययन केंद्रों एवं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया गया है। इसके साथ ही ट्रेनिंग की पढ़ाई हेतु ऐसे शिक्षकों के लिए दूरदर्शन के स्वयंप्रभा TV चैनल DTH वागदा चैनल संख्या 32 पर 2 घंटे का सीधा प्रसारण लाइव शुरू किया गया। 2 घंटे के इस प्रसारण में विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षु शिक्षकों को ट्रेनिंग का पाठ पढ़ाया। इसी के आधार पर परीक्षा में उनसे प्रश्न भी पूछे गए। पढ़ाई के बाद क्रमबद्ध तरीके से शिक्षकों की प्रशिक्षण परीक्षा ली गई, लेकिन स्थिति यह है कि अंतिम 2 विषयों की परीक्षा का अब तक रिजल्ट नहीं आया है। सूत्रों की माने तो संबंधित 2 विषयों की कॉपियों की अब तक जांच भी नहीं हुई है, जबकि ऐसे अनट्रेंड शिक्षकों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून में 31 मार्च 2019 तक की तय मियाद पूरी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो अनट्रेंड शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सक्षम पदाधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची भी मांगी जा रही है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।